एक और क्वेश्चन, अगर श्री कृष्ण की आत्मा ही दादा लेख राज बनते हैं और दादा लेख राज ही ब्रह्मा बनते हैं, तो आत्मा तो एक ही है, तो फिर ब्रह्मा के चित्र के सामने बात करते हैं तो सुनता है, लेकिन कृष्ण की मूर्ति सामने क्यों नहीं सुनता? हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात सुना है। आत्मा तो एक ही है। वो भी सुनाया मैंने अभी, वो भी सुनाया था। क्यों? कृष्ण की आत्मा सत्युग में थी, जन्म लेते 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 दादा लेखराज बन गया और नदी। उसको फिर से ज्ञान दिया, ज्ञान देकर के वो कर्मातीत पवित्र बन गया, तब उसको ब्रह्मा कहा, जिसको सारा ब्रह्मांड का ज्ञान मिला। आत्मा वही है, पहले कर्म श्री कृष्ण कब था? सत्युग में था ना, जन्म लेते लेते आया, आते आते सारा खत्म हो गया कलयुग में, तब भगवान फिर से आके उसी को पावन करता है ज्ञान दे करके। तो वो उसके दादा के तन में था तभी, तब ब्रह्मा बाबा के सामने बैठते हो तो अभी इस शरीर में है, अभी कृष्ण के शरीर में, ये छोड़ने के बाद श्री कृष्ण के तन में सत्युग में आएगा, तो इसके तन में अभी चाहिए, तो इधर इस तन में वो मिलता है, आत्मा इस तन में है, इसलिए ब्रह्मा का तन रख के। अगर कृष्ण का तन रखते हो तो कृष्ण के आत्मा उसको उसके अंदर नहीं है, वो सत्युग में था। अभी आप पूछते हो यहां, वहां कोई पूछते नहीं है, सत्युग में कोई कृष्ण के पूछते नहीं है, अब पूछते हैं। तो वो आत्मा अपने श्री कृष्ण की स्मृति में नहीं, ब्रह्मा के स्मृति में, सारा ब्रह्मांड का ज्ञान है। श्री कृष्ण को सारा ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं था, सत्युग में ज्ञान नहीं था, जरूर भी नहीं था, सत्युग में युद्ध भी नहीं होता था, इसलिए द्वापर युग में लाया कृष्ण को, सत्युग का प्रिंस है वो, फर्स्ट प्रिंस, तो उसको रखे। भारत में नक्शे पर देखो श्री कृष्ण बैठा है, श्री राम ने बैठा है मुरली बजाते हुए, श्री कृष्ण है। तो ये सब ज्ञान पूरा अगर सुनते हो, जिसके अधूरा ज्ञान होता ना, आवाज करता है घड़ा, पूरा ज्ञान चाहिए, तब समझ में आता है ये क्या ये क्या ये क्या। और इसलिए बाबा को मुरली में भी हम कैसे करते हैं कि जिसने पूरा 7 दिन का कोर्स किया है वही मुरली क्लास में आके बैठ सके, क्योंकि उसको ज्ञान है। जिसको ज्ञान नहीं सुना तो उसको देखो, अगर एक साइंस का स्टूडेंट कॉमर्स कॉलेज में जाके बैठे, 1+1 तो 2 कहेगा, 2+2 4 कहेगा, 22 होगा, तो उसको पता नहीं 2+2 22 कैसे हो गया, 22 कैसे हो गया। तो ये गणित वो जानता है, साइंस वाला नहीं जानता है। तो यहां भी शरीर के बहान में, शरीर समझ के अगर आप इधर बैठ के मुरली सुनते हो, आपके अंदर जाएगा नहीं। तो ये रूहानी सत्संग है, ये आत्मा को सुनाया जाता है।